तो बच्चों आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चन की हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन। तो बच्चे जो है जल्दी से अपना पेन और कॉपी लेके अपने पास बैठ जाए और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ जो है ट्राई करते हुए चलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिमिट का देख रहे हैं कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ए के पावर एन प्लस बी के पावर, ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन माइनस ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, वेयर बी वन, बी जो है वन से ग्रेटर है और ए जो है बी से ग्रेटर है। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन लगाते समय, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट एकदम ध्यान देगा, इस टाइप में क्वेश्चन में देखना है कि ए ग्रेटर देन बी है कि बी ग्रेटर देन ए है। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कौन ग्रेटर देन है। यहाँ बच्चों देख रहे हैं ए ग्रेटर देन क्या है, बी है। जब ए ग्रेटर देन बी हो जाता है तो उस केस में जो है हम लोग जो जो ग्रेटर वाला है उसको कॉमन लेते हैं अंदर से। ठीक है, ग्रेटर वाला कॉमन लेने के पीछे क्या रीजन है बच्चों, इसमें ये ध्यान देना है कि अगर ग्रेटर वाला कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ से तो वैल्यू किसके बीच में काम करने लगेगी, जीरो से वन के बीच में काम करने लगेगी। जैसे ही यहाँ से हम लोग ग्रेटर देन कॉमन ले लेने लगेंगे तो यहाँ से बच्चे देखेंगे कि ए की वैल्यू, यहाँ से अगर मैं ए के पावर एन कॉमन ले ले रहा हूँ तो वन प्लस बी बाई ए के होल पावर क्या मिलने लगा, वन मिलने लगा। यहाँ पे बच्चों क्या मिलने लगेगा, ए के पावर एन वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस, यहां से बच्चों क्या मिलने लगेगा, वन माइनस बी बाई ए के होल पावर क्या मिलेगा, एन मिलने लगा। ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बी बाई ए की वैल्यू की बात करेंगे तो बी बाई ए की वैल्यू जो है किसके बीच में काम करने लगती है, जीरो से वन के बीच में काम करने लगती है। कोई भी वैल्यू जब जीरो से वन के बीच में काम करने लगेगी तो इसके पावर पे अगर एन कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू टेंस टू कहाँ चली जाती है, जीरो। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, यहाँ पे वन प्लस बी बाई ए की वैल्यू क्या मिलने लगेगी, जीरो मिलने लगेगी, और यहाँ पे वन माइनस क्या मिलने लगेगी, जीरो मिलने लगेगी, यार पूरा होल रिजल्ट क्या मिलने लगेगा, वन। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। तो ध्यान देंगे बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। तो समझ में आ गया होगा कॉमन जो, उसी के हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट में ध्यान देंगे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय बिल्कुल ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन कई तरीके से, हाँ ए की वैल्यू टू भी रख सकता है, बी की वैल्यू फाइव रख सकता है, तो रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए जो सबसे बड़ा वाला है उसी को हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ई के पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें जैसे ही हम लोग वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू अगर इसमें हम लोग रखना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही बच्चे यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट की वैल्यू क्या आने लगती है, ई के पावर वन वन जो है वहाँ वन माइनस वन, यहाँ पे क्या आने लगेगा, ई के पावर जीरो, ये क्या मिलने लगेगा बच्चों, कास जीरो का मान वन, ये नीचे जीरो, क्या मिलने लगेगा, जीरो अपान जीरो। जब जीरो अपान जीरो आने लगता है तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट को ध्यान देना रहता है, जब लिमिट जीरो अपान जीरो फॉर्म में आने लगती है या इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट फॉर्म में आने लगती है, तो इसमें कंडीशन है बच्चे सिमेट्री रूल से या तो क्वेश्चन लगा सकते हैं या तो एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिमेट्री रूल से बच्चों लगाते हैं क्वेश्चन को तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सिमेट्री रूल से जैसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कर देगा माइनस वन प्लस वन माइनस कॉस एक्स अपान क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू क्या मिलने लगेगा, जीरो, इसका मतलब ई के पावर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और प्लस वन माइनस कॉस एक्स अपान बच्चों क्या मिलने लगा, एक्स स्क्वायर। इसका लिमिट सिमेट्री रूल से इसका लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, वन, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, वन बाई टू। तो ये बच्चों को मिल गया लिमिट वन वन बाई टू, रिजल्ट फाइनल क्या आया बच्चों, थ्री बाई टू। तो ध्यान देंगे बच्चे ये रिजल्ट कितना मिल गया हमको, थ्री बाई टू, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट। ये सिमेट्री रूल से आ जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे सिमेट्री रूल से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये रिजल्ट हमको इतना वन प्लस वन बाई टू मिलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, पहला ये चीज ध्यान देना है, ये कांस्टेंट कब आता है, किसी भी पॉलिनोमियल में न्यूमरेटर का हाईएस्ट कोफिशियंट, ठीक है, पावर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर जो दोनों सेम हो जाता है, तो उस कंडीशन में रिजल्ट जो है उसका कोफिशियंट होता है। ठीक है, हमने एक क्लास में बताया है बच्चों को, तो ये ध्यान से देखेंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है
तो सबसे पहला काम है इसको बच्चे इसमें मल्टीप्लाई कर ले, इसको मल्टीप्लाई कर ले, एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ से प्लस वन आ जाएगा माइनस। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, माइनस माइनस ए एक्स क्यूब, माइनस ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स, अब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना मिलने लगेगा, टू। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब जैसे ही कॉमन ले लेंगे, वन माइनस क्या मिलने लगेगा, ए, वन माइनस ए, वन माइनस ए, यहाँ बच्चे ध्यान देंगे वन माइनस ए, वन माइनस ए बच्चों कॉमन मिलने लगा, और यहाँ पे जो है माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों का क्या मिलने लगेगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स, अब प्लस माइनस ए एक्स प्लस वन माइनस बी, अपान क्या मिलने लगा यहाँ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले ध्यान देना है, कांस्टेंट ये तभी आ सकता है, कांस्टेंट तभी आ सकता है जब हाईएस्ट पावर नोमिनेटर का, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर का दोनों क्या हो जाए बच्चों, सेम। जब दोनों सेम हो जाएगा तभी यहाँ से कांस्टेंट आता है, ठीक है। जब दोनों ये सेम हो गया तो इसका मतलब ये जो है ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये टर्म यहाँ से क्या हो जाए, गायब हो जाए, और इसको गायब होने के लिए मस्ट है कि वन माइनस ए, ए कोफिशियंट क्या होना पड़ेगा, जीरो, मतलब ए की वैल्यू क्या होना पड़ेगा बच्चों, वन। जैसे ही ए की वैल्यू आ जाती है बच्चों को, ए की वैल्यू मालूम चल जाती है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, अब जो है इसका और इसके कोफिशियंट इस कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, मतलब माइनस बी बाई वन इज इक्वल टू टू, यहाँ से बच्चों बी की वैल्यू क्या मिलने लगती है, ये आने लगती है ये डिटेल में, और ये इसका ए की वैल्यू वन आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस टू, ये ध्यान देंगे, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू क्या मिलने लगेगी बच्चों को, माइनस टू। तो ये हम लोग का सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन माइनस कॉस क्यूब एक्स अपान एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट एकदम ध्यान देगा, इसको पहले फैक्टर कर ले, वन माइनस कॉस क्यूब एक्स को क्या लिख सकता है, वन माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या हो सकता है, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स हो जाएगा, अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, x साइन x, और क्या मिलने लगे, cos x मिलने लगेगा। अब इतने की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लिमिट x, लिमिट x टेंस टू कितना है, जीरो है, लिमिट x टेंस टू कितना है बच्चों, जीरो है। जैसे इतने की बात करने लगेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं सिमेट्री रूल में, x, और यहाँ पे इसको क्या बना देते हैं, एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट बच्चे ध्यान देंगे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ ध्यान देंगे बच्चे। अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे बच्चों अब इसकी लिमिट ध्यान देंगे, अब ये जो है x स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाता है, x स्क्वायर, ये हो जाता है x स्क्वायर। अब इसकी लिमिट जो है बच्चे ध्यान देंगे, इसकी लिमिट क्या हो जाती है, पहले ही बता चुके प्रीवियस क्वेश्चन में, वन बाई टू, ठीक है, और एक्स अपान साइन एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, ये इसकी लिमिट वन मिल जाएगी, और यहाँ पे जीरो रखेंगे, कास जीरो का मान वन हो जाएगा, कास जीरो का मान वन हो जाएगा, कास जीरो का मान वन हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमको रिजल्ट क्या ऊपर से मिलने लगा, थ्री, ये हमारा क्या हुआ, वन बाई टू, मतलब टू, ठीक है, रिजल्ट क्या मिला हमको, थ्री बाई टू, ये हमारा सी ऑप्शन बच्चों क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो ध्यान देंगे सी ऑप्शन क्या जा रहा है बच्चों, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी सिमेट्री रूल से बहुत आसानी से हम लोग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें ए के पावर एक्स का जो फार्मूला होता है वो प्रॉपर्टी दिमाग में बच्चों को होनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे ध्यान दें, एक्स एक्स अपान वन माइनस कॉस एक्स को बच्चे अलग कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, फाइव के पावर एक्स माइनस वन अपान एक्स, एक एक्स और मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों क्या लेने लगता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका लिमिट है और इसका लिमिट हम लोग देख लेते, इसका लिमिट क्या आने लगेगा बच्चों, अब इसका लिमिट जो है ध्यान देना, पर ये नीचे आ गया है, इसका लिमिट क्या होने लगेगा, टू हो जाएगा, इनटू इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग फाइव बेस सी, रिजल्ट फाइनल क्या मिला, टू लॉग फाइव बेस सी, टू लॉग फाइव बेस सी, इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जा रहा है बच्चों, ध्यान देंगे बी ऑप्शन क्या जा रहा है, सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन क्या जा रहा है, सही, ठीक है।
ये क्वेश्चन लिमिट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके हमने आज डिस्कशन किया, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है कहीं कहीं क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बच्चे ध्यान से क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें मेरे बात जो है, ये क्वेश्चन खुद से लगा पाते हैं कि नहीं, ठीक है, ये चेक करें बच्चे जो है। ठीक है, आज का लेक्चर बच्चों इतना ही रहेगा। थैंक यू।